प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में एक उपविषय पढ़ेंगे, वाक्य। यानी सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। देखो बेटा, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तुम जानते हो कि कुछ शब्दों के मेल होते हैं, उनसे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। यह मेल कैसा होना चाहिए जिससे हमारे क्या बने, सेंटेंस या वाक्य बने? तो ये मेल सार्थक शब्दों का होना चाहिए। सार्थक शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। शब्द एक निश्चित क्रम में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई आगे है कोई पीछे है, तो जिसकी कोई सार्थक अर्थ ही ना निकले तो वो क्रम भी ठीक नहीं। जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, उन उदाहरणों के बारे में देखो। पहला उदाहरण हमारा क्या है, नाच है मोर रहा। शब्दों का समूह तो है लेकिन सार्थक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। नाच है मोर रहा, इस वाक्य में एक निश्चित क्रम न होने के कारण कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। इसी तरह हम अपना खै वाक्य देखेंगे कि मोर नाच रहा है। यहाँ एक निश्चित क्रम भी देखने को मिला हमें, मोर नाच रहा है। और क्या है, ये एक सार्थक शब्दों का भी समूह हो गया। अगला हम ग उदाहरण करेंगे कि सुना रही दादी कहानी है। इसमें भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। इससे अगला करते हैं, दादी कहानी सुना रही है। तो यहाँ पर अगर इसको देखें कि दादी कहानी सुना रही है, एक निश्चित क्रम देखने में मिला और सार्थक शब्दों का मेल भी हुआ यहाँ पर। तो इस तरह हमारा वाक्य है, एक निश्चित क्रम में और सार्थक शब्दों का मेल है। और हमारा वाक्य है, दादी कहानी सुना रही है, यह भी एक निश्चित क्रम में और सार्थक शब्दों का समूह है। तो इन उदाहरणों को देखते हुए हमारी एक वाक्य की जो परिभाषा निकलती है वो क्या निकली, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी एक सीक्वेंस में जब हमारे ये शब्द होते हैं, एक निश्चित क्रम में हमारे ये शब्द होते हैं, तभी एक सेंस निकलती है कंप्लीट, और उसी कंप्लीट सेंस को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। समझ आया होगा कि शब्दों के मेल को कहते हैं क्या, वाक्य कहते हैं। लेकिन वो मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक शब्दों का होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। तो ये हमारे वाक्य की क्या हो गई, एक विशेषता हो गई कि सार्थक शब्दों का मेल होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अब हम इन्हीं वाक्य की और विशेषता करेंगे कि वाक्य में और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होता है। अब तक हमने देखा कि सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, वाक्य यानी सेंटेंस कहते हैं, और उसमें एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अब हम वाक्य में ही क्या क्या और आवश्यकता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे कि एक वाक्य में कर्ता होता है, काम करने वाला। यानी काम करने वाला क्या होता है, कर्ता कहलाता है, जो काम करता है। और कर्ता का काम क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, यानी वर्ब। ठीक है, काम करने वाला कर्ता होता है और कर्ता का काम क्रिया होती है। प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी होता है। यानी काम करने वाला और उसकी क्रिया, वो दोनों ही होने बहुत ही जरूरी है। कुछ उदाहरण देखें, जैसे रवि नहा रहा है। यहाँ पर इस वाक्य में रवि क्या है, कर्ता है। नहा रहा है यह क्या है, क्रिया है। रवि इसमें कर्ता और नहा रहा है क्रिया है। अब अगले वाक्य में देखें तो कृष्ण पुस्तक पढ़ रहा है। कृष्ण यहाँ पर कर्ता है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ रहा है वो क्या है, हमारी क्रिया है। यहाँ पर देखें तो कर्म, जिसका क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो कृष्ण यहाँ पर कर्ता,
पुस्तक कर्म और पढ़ रहा है हमारी क्रिया है। तो वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना भी आवश्यक होता है। समझ आया होगा इतना। आगे और करते हैं कि वाक्य के क्या क्या जो हैं अंग होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और एक होता है विधेय प्रेडिकेट। तो यहां पर देखें कि उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो बात हो रही है, जिसके बारे में बातें हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। यानी जो कुछ भी वाक्य में कहा जाता है जिसके बारे में, वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, जो भी बातें उसके बारे में हो रही हैं। जैसे राम खेल रहा है तो यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, उद्देश्य है। उसके बाद देखते हैं विधेय, विधेय यानी प्रेडिकेट, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जो किसी सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है कि वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, गा रहा है, तो उसके बारे में जो भी उसकी क्रिया बताई जाती है उसके हम क्या कहेंगे, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, माँ खाना पका रही है, तो यहाँ पर माँ जो है वो क्या है, उद्देश्य है। खाना पका रही है वो क्या है, विधेय है। क्या है वो, विधेय है, यानी उसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में, माँ के बारे में, वो क्या कर रही है, खाना पका रही है। तो ये क्या हुआ, जो उद्देश्य के बारे में जो बताया गया वो हमारा विधेय हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और माँ यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। अगले वाक्य में देखें, बच्चे तैर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चे हैं, तैर रहे हैं, ये क्या है, विधेय है, जो बच्चों के बारे में बताई गई बात है उसे हम फिर क्या कहेंगे, विधेय कहते हैं। इसी तरह के अगर हम और उदाहरण देखें तो मैंने तुम्हें जैसे बताया कि कमला नाच रही है या फिर मेरा भाई पढ़ रहा है, तो मेरा भाई तो यहाँ पर क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या है, पढ़ रहा है। लंका का राजा रावण दुष्ट था, तो लंका का राजा कौन था, रावण, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो जाएगा, और दुष्ट था वो क्या है, प्रेडिकेट है, विधेय है। काली कोयल मीठा गाती है, तो काली कोयल इस वाक्य में, काली कोयल मीठा गाती है, तो काली कोयल क्या है, सब्जेक्ट है, और मीठा गाती है वो क्या है, प्रेडिकेट यानी विधेय है। तो ये थे क्या वाक्य के अंग, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, जो बातें कही जाती हैं उसके बारे में वो प्रेडिकेट यानी विधेय है। और इस तरह हम उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब तुम्हें अभ्यास के लिए कुछ कार्य दिया जाएगा, तुम इस उप विषय से रिलेटेड उस अभ्यास कार्य को करोगे। यहाँ हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमें हल करने हैं। जैसे वाक्य कहते हैं शब्दों के समूह को, यहाँ रिक्त स्थान में तुम्हें भरना है, ऑप्शन दी गई है यहाँ पर, तुम्हें सार्थक है या निरर्थक वो क्या उचित बैठेगा वो भरना है। वाक्य के कितने अंग हैं उसमें से ऑप्शन में से छाट के लिखोगे। काम करने वाला क्या कहलाता है वो तुम्हें यहाँ से देख के भरना है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह क्या कहलाता है, ये तुम्हें दो ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से भरोगे। वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय तुम्हें छाटने हैं। ये कुछ वाक्य तुम्हें दिए गए हैं जिसमें से क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है वो तुम छाटोगे। वाक्य देखते हैं एक बार। शेर जंगल का राजा होता है, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है, मेरा मित्र कल आएगा, धोबी ने कपड़े धोए। तो यहाँ पर तुम्हें उद्देश्य और विधेय बताने हैं इनमें,
और यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन दी गई है, उन ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो छाट कर इन रिक्त स्थानों पर भरना है। आई होप कि तुम्हें यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य की विशेषता क्या है और पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के अंग क्या है, उसमें से तुम करोगे, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय के बारे में भी तुम्हें जानकारी हो गई होगी। तुम इस उपविषय को अच्छे से तरीके से करोगे। धन्यवाद।